Welcome back and thank you so much for joining me. Okay, so what is this video all about? So this video is going to be all about quick checkup on what few people involved with Sushant Singh Rajput's murder mystery, death mystery, what are they thinking right now? ठीक है, बहुत लोगों को doubt होता है कि बेबी पेंगुइन इन्वॉल्व नहीं है, सिद्धार्थ इन्वॉल्व नहीं है, बहन इन्वॉल्व है और इस तरह का काफ़ी डाउट्स आता है. ठीक है, ऑल राइट, तो लेट्स चेक आउट, लेट्स डू अ सिंपल थिंग, लेट्स चेक आउट वॉट दे आर थिंकिंग एट दैट राइट मोमेंट. क्योंकि अगर वो कल्प्रिट नहीं है, अगर वो गिल्टी नहीं है, तो डेफिनेटली उनको कुछ डर नहीं होगा, राइट? तो बहुत सिंपल सा रीडिंग करूँगी, एक आदमी का नाम लूँगी, तीन कार्ड्स पुल करेंगे और अगर एक दो और रिलेटेड कार्ड्स हैं तो पुल करेंगे और ये वाला सरेंडर कार्ड यूज़ करूँगी टू सी वॉट दीज पीपल आर फीलिंग एट दैट मोमेंट. क्योंकि हमेशा हम लोग बोलते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, अगर वो चोर नहीं है तो उनकी दाढ़ी में तिनका भी नहीं होगा, राइट? फेयर इनफ, लेट्स स्टार्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद बेबी पेंगुइन. ओके, ये कार्ड्स गाने से एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट कार्ड्स, स्पिरिट गाइड्स, माथुर के माँ काली, स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड, माँ गार्डियन एंजल्स, प्लीज टेल अस योर एंजल्स, गॉड्स, गॉडेसेस, स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड, व्हाट इज रिया थिंकिंग एट द मोमेंट, व्हाट इज रिया थिंकिंग एट द मोमेंट, हाउ इज रिया फीलिंग, how is Rhea thinking, what is Rhea feeling, what is Rhea thinking at this moment. All right, two of pentacles, the balance is all gone in her life. Oh my god, she is thinking about the murder. Ten of sword, she is thinking about the murder, guys. She is thinking about the murder because of which she is in the eye of the storm. और आप किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम में पड़े हो एंड आपने कुछ इतना बड़ा सा लोचा किया है जिसके जो सारे दुनिया के सामने में आ गया, तो वो आप उसको भूल नहीं सकते हो. एंड इट इज़ क्लियरली इन हर माइंड, इट इज़ राइडिंग ऑन हर माइंड, द थिंग्स दैट शी हैज़ डन, द वे पीपल हैव गैंगड अप एंड किल्ड समबडी इज ईटिंग हर अप. शी इज थिंकिंग अबाउट इट, शी कैनॉट, शी इज़ नॉट एबल टू गेट ओवर इट. सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट के बारे में सोच रही है, कॉन्स्टेंटली पास्ट के बारे में सोच रही है. शी इज नॉट एबल टू फॉरगेट द पास्ट, कोशिश कर रही है कि पास्ट को भूल पाए, बट नाउ शी नोज दैट वॉट शी हैज डन इन द पास्ट इज सो ड्रेडफुल, इट्स सो डर्टी, इट इज सो डार्क दैट इट विल नेवर लीव हर एवर इन दिस लाइफ अगेन. तो दो, शी इज ट्राइंग टू फॉरगेट what all happened in the past, all the dark dirty things that she has done along with the other people, she is trying to forget that, but she is not able to forget that because that is sticking with her, uske sath, that has become her dirty secret and which is in front of the whole world now and she is not able to forget it. Even if वो चाहती है कि इसको भूल जाना, पर वो भूल नहीं पाएगी क्योंकि लोग उसको भूलने नहीं देंगे. It is in front of the media, it is in front of the whole world, it is in front of the whole India. Okay? तो जो चीज़ उसने सोचा था कि वो लुके छुपे ढंग से करे कर रही है, उसका बैलेंस बिगड़ गया है पूरे लाइफ का. द होल मनी बैलेंस दैट शी हैड प्लान्ड वेरी नाइसली, एक मनी का बहुत ही स्ट्रैटेजाइज किया था उसने कि इतना करोड़ पैसा ले लेंगे और एक डिप्रेशन थ्योरी पुट आउट कर देंगे एंड एवरीथिंग इज़ गोना बी बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन. अब उसको लग रहा है कि उसका सारा बैलेंस थ्योरी हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन्स, सब चीज़ उल्टा हो गया है. उसने जितना भी एक जगलिंग द बॉल्स किया था और प्ले द गेम किया था, वो सारा चीज़ एक्सपोज हो गया है. थ्री ऑफ कप्स, वो अपने लोगों के साथ है अभी और हर्मिट कार्ड बार बार उसका आ रहा है गाइज. अगर आप देखो तो हर्मिट कार्ड आता ही रहता है उसके कार्ड में.
टेन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा रिलेटेड कार्ड्स है. देखो अगर तो वो अपने लोगों के साथ है, लोग उसको कंसोल कर रहे हैं. ऑल द पीपल हु जो हैंड एंड ग्लव्स हैं उसके साथ है, वो अभी उसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको थोड़ा काउंसिल भी कर रहे हैं. थ्री ऑफ कप्स एक हर्मिट कार्ड है, वो बहुत सोच रही है और शायद इसीलिए वो लोग उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन, बट एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ ऑल थिंकिंग अबाउट द रॉन्ग टर्न दैट शी हैज़ टेकन इन हर लाइफ, विच इज़ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, विच शी थॉट दैट शी कैन हाइड इट, बट शी इट इज़ ऑल एक्सपोज्ड नाउ एंड इट इज़ अनएस्केपेबल. वो एस्केप नहीं हो सकता है. हाई स्ट्रेस जोन में अगर आप देख लो, फोर ऑफ स्ट्रेस का कार्ड, फोर ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, हाई स्ट्रेस जोन में है. चाह रही है कि कोई एक नया बिगिनिंग मिल जाए, कोई एक रोशनी मिल जाए, एक नया लीज ऑफ लाइफ मिल जाए, वापस से सन उसके लाइफ में आ जाए, पर ऐसा कुछ होने वाला है नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा है. कोशिश कर रही है कि शायद कुछ पैसे से हो जाएगा. पैसा एट द बैक ऑफ द डेक में है, जो कि कोशिश कर रही है कि पैसा दे के शायद एक नया टर्न मिल जाए उसके पूरे केस को, पर लगता तो नहीं है कि ऐसा होने वाला है. तो दिस इज़ वॉट शी इज़ थिंकिंग एट द मोमेंट. चलिए एक कार्ड यहाँ से पुल करते हैं और देखते हैं व्हाट इज रिया थिंकिंग एट द मोमेंट. व्हाट इज रिया थिंकिंग एट द मोमेंट गाइस, लेट्स चेक इट आउट. डियर एंजल्स, गॉड्स एंड गॉडेसेस, स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड, प्लीज टेल अस हाउ इज रिया फीलिंग एट द मोमेंट. हाउ इज रिया फीलिंग एट द मोमेंट. सरेंडर टू क्रिएटिविटी. ओके, तो बिल्कुल सो नहीं पा रही है अगर आप देखो तो. सरेंडर टू रेस्ट एंड क्रिएटिविटी, वो सो नहीं पा रही है. उसकी रातों की नींद और दिन का चैन ख़त्म हो चुका है. एंड डजंट लुक्स लाइक दैट शी विल बी एबल टू स्लीप पीसफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम नाउ. सो दैट इज़ ऑल फॉर यू गाइज. रिया, वॉट इज शी थिंकिंग एंड वॉट इज शी फीलिंग एट दिस मोमेंट, जस्ट बिफोर सुप्रीम कोर्ट इज़ अबाउट टू गिव अ नॉड टू CBI केस इन द होल ऑफ सुशांत डेथ मिस्ट्री. Do let me know what you feel about this. Catch you again.